उन्ना सिवा स्वर्ग प्रबोध द्वारा स्वप्न के बाग के समान ऋषियों तथा देवताओं के समूह के सहित विधाता के निर्वाण का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, ये श्री रामचंद्र जी तपो लोक पर्यंत जब समूचा प्रदेश प्रलय कालीन एक महासागर के जल में डूब गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित मैंने अपनी दृष्टि ऐसी फेंकी जैसे प्रातःकाल में सूर्यदेव अपनी प्रभाव फेंकते हैं। इतने में मैंने प्राणादि उपासनाओं के द्वारा सर्वलोक्य मुक्ति को प्राप्त हुए तथा ब्रह्मा जी के साथ विदेह कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा कर रहे जीवन मुक्त परिवार के सहित ब्रह्मा जी को पर्वत से विनिर्मित हुए सा देखा। वहाँ मैंने अधिकारी देव तथा भावात्मकता मुनियों के समूह को देखा। इस रामचंद्र जी उस समूह के भीतर मैंने शुक्र बृहस्पति इंद्र कुबेर यम सोम वरुण और अग्नि को देखा तथा उनके अतिरिक्त वहाँ मैंने और भी अनेक देवताओं और ऋषियों को भी देखा। इतना ही नहीं, सुनिए, वहाँ देव गंधर्व सिद्धों और साध्यों के नायक भी उपस्थित थे, मैंने उन्हें भी देखा। इस रामचंद्र जी पद्मासन लगाकर बैठे हुए चित्र लिखित जैसे ध्यान में परायण वे सबके सब निर्जीव के समान वहाँ स्थित थे। उसके बाद की घटना बताते हैं। इस रामचंद्र जी तदनंतर उस स्थान पर वे प्रलय के बारह सूर्य भी आए और पद्मासन लगाकर वे भी सब भूत तुरंत उन्हीं के तरह बैठ गए जिस तरह ये देवता और ऋषि बैठे हुए थे। उसके बाद मुहूर्त मात्र में मैंने सामने ब्रह्मा जी को ऐसे देखा जैसे सोकर उठा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थों को अपने सम्मुख उपस्थित देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में स्वप्न आदि पदार्थों का जैसे बाध होकर केवल आत्म मात्र विशेष परिशेष रह जाता है, वैसे ही मैंने ब्रह्मा जी को आत्म मात्र विशेष रूप परिशेष ही देखा। वही विधाता का विदेह कैवल्य है। पूर्वोक्त विधाता के पारिवारिक लोगों में भी ऐसा ही कैवल्य हुआ, ये कहते हैं। ब्रह्मा जी के परिवार के जितने लोग थे उन सबको भी मैंने अपने सामने तत्वज्ञानियों की ज्ञान से बाधित पूर्वा वासना ही की तरह बिल्कुल ऐसे नहीं देखा जैसे सोकर उठता हुआ पुरुष स्वप्न काल में देखे गए नगर को अपने सामने उपस्थित नहीं देखता। श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी के चरम साक्षात्कार के समय सबके विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाने से उन महाब्रह्मदेव का वह सारा ब्रह्मांड जो उनके संकल्प से सिद्ध था शून्य अरण्य की नाई ऐसे हो गया जैसे पृथ्वी में किसी भयंकर आकस्मिक नाश के हेतु से विध्वंस हुआ नगर रहे। श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनि देव सिद्ध तथा विद्याधर आदि वे सभी उस समय शून्य रूप हो गए क्योंकि वे सब वहाँ से कहीं भी अन्यत्र नहीं गए। नाम रूप से शून्य भाव को प्राप्त होने पर भी स्वरूप से तो वे उस सब के सब निर्वाण रूप से ही स्थित थे। ये महाराज वशिष्ठ जी अपने अनुभव से दिखाते हैं। उसके बाद आकाश में स्थित मैंने ध्यान से जाना कि वे सभी लोग तो ब्रह्मा जी के समान ही नाम रूप का परित्याग कर निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। वासना कल्प रूप का नाश हो जाने से वही उनकी वास्तव स्वरूप की प्राप्ति है। इस आशय से कहते हैं वासना के विलीन हो जाने पर वे अदर्शन को प्राप्त होकर अपने विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप में ऐसे आ गए जैसे प्रबुद्ध जागे हुए प्राणियों के स्वप्नकाल के लोक उसी का पुनः उपादान करते हैं। इस रामचंद्र जी चिदाकाश रूप ये शरीर वासना के कारण ही स्पष्ट भाषित हो रहा है। वासना के अभाव में तो ऐसे नहीं भासता जैसे कि बोधवान प्राणी को यानी जागे हुए जीव को स्वप्न नहीं भासता। जैसे स्वप्न में आकाशगामी ये शरीर दिखता है किंतु जागृत काल में नहीं दिखता, वैसे ही वासना रहने पर ही यह शरीर दिखता है। तत्वज्ञान होने पर जब प्राणी की वासना बिल्कुल शांत हो जाती है तब कुछ भी नहीं दिखता। स्वप्न से उठने पर जागृत काल में एकमात्र स्वप्निक भौतिक पदार्थों का बाध होता है लेकिन तत्वज्ञान होने पर तो आदि भौतिक आदि तीनों शरीरों का बाध होता है। इतना विशेष है, इस आशय से कहते हैं जागृत काल में भी वासना का सर्वथा नाश हो जाने से न तो आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर भासता है और न आदि भौतिक शरीर ही दिखता है, अथवा वासना न रहने से वे दोनों नहीं भासते। श्री रामचंद्र जी इस विषय में स्वप्न का अनुभव ही दृष्टांत रूप से लक्षित है। ये वृद्ध से लेकर एक बच्चे तक सबको अनुभूत है। श्रुत
श्रुति श्रुति सिद्ध है तथा पुराण आदि में प्रतिभाषित है। इस तरह अपने तथा दूसरों के अनुभव से सिद्ध स्वप्न से बाद का जो अपलाप करता है यानी स्वप्न आदि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को सत्य स्वरूप स्वीकार करता है उसको तत्व ज्ञानोपदेश देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, वह प्रबोध के योग्य है ही नहीं। ये कहते हैं इस रामचंद्र जी जो 66 स्वयं अपने को तथा दूसरों के अनुभव को भी स्वीकार नहीं करता यथा अपने तथा दूसरों के अनुभव से सिद्ध स्वप्न के बाद का आलाप करता है वह त्याज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि मिथ्या सुप्त पुरुष को यानी सचमुच न सोए हुए पुरुष को भला कौन उठा सकता है। फिर भी इस विषय में स्वप्न का दृष्टांत उचित नहीं है, क्योंकि ये जो वर्तमान शरीर है इसमें पिता आदि का शरीर कारण है, परंतु स्वप्न शरीर तो ऐसा नहीं है। स्वप्न शरीर में अत्यंत असद्रूप होने से यह विषम दृष्टांत है, ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी को नास्तिक कहने में के लिए तैयार रहना होगा। ये कहते हैं इस शरीर का कारण पिता आदि का शरीर है, इसलिए यह दिखाई देता है, किंतु स्वप्न आदि शरीर का कारण तो पिता आदि का शरीर नहीं है, इसलिए वह नहीं दिखाई देता। यदि कोई यह शंका करे तो उसकी ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो उसके मत में इस पार्थिव शरीर से प्राणी का जो यज्ञादि के द्वारा स्वर्गीय शरीर प्राप्त करने वाले हैं उनका परलोक भी नहीं है। ऐसी दशा में हमें उसको नास्तिक कहने में तनिक भी संकोच न होगा। पिता आदि का शरीर जिस देह का कारण है उसी देह को भी सर्वथा असद्रूप मानने पर तो सूक्ष्म शरीर समष्टि रूप हिरण्य गर्भ को भी असद्रूप होने में कोई अड़चन न होगी, और उसी दशा में उनकी सर्व सर्ग आदि अर्थक्रिया भी मिथ्या ही सिद्ध होगी। ये कहते हैं इस रामचंद्र जी इस रीति से यदि ये सब असद्रुप होता तो पूर्व दृष्टि के प्रलय के अंत में सब शरीरों का सर्वथा क्षय होने पर इस सृष्टि के आदि काल में शरीर हेतु शरीर न रहने से ये सृष्टि भी न होती, और ये सृष्टि सबकी आंखों के सामने सर्वदा विद्यमान है ही, इसलिए ये सृष्टि नहीं है ये कोई कहने का साहस नहीं कर सकता। पृथ्वी आदि पंचभूतों के सावयव होने से विभागों का अवसान हो जाने पर संयोग का विनाश ध्रुव है, अतः अवयव विभाग स्वरूप इस जगत का जब विनाश अवश्यम भावी है तब इस दशा में ये जगत कभी इस अविच्छिन्न प्रवाह से विपरीत नहीं है, ये जैमिनीय मत अप्रतिष्ठित है असंगत है। यहाँ पर प्रसंगवशवाच चारवाक मत का भी खंडन करने के लिए अनुवाद करते हैं। पृथ्वी आदि जो चार भूत है वे ही चार प्रकार के देहाकार से तथा घटपट आदि के आकार से सम्मिलित होकर जगत नाम से कहे जाते हैं। पृथ्वी आदि प्रभूत स्वरूप होने के कारण इस जगत का कभी नाश नहीं होता। ये जब ये चारों भूत एक जगह मिल जाते हैं तब ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों वाला इन चारों के धर्मों का समुदाय रूप एक शरीर तैयार हो जाता है, उसमें हाथ पैर आदि अनेक अवयव विद्यमान रहते हैं, और वही शरीर भी उस हाथ पैर आदि अनेक अवयव की नाना प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जाति का हो जाता है। तथापि इन चारों भूतों के मध्य में किसी एक भूत में ज्ञप्ति नहीं दिखाई देती, तथापि जिन द्रव्यों से मदिरा तैयार की जाती है उन्हें पीसकर जल तथा नमक के साथ एकत्र मिला दिए जाने पर उनमें एकत्र मिले हुए द्रव्यों में जैसे कालपाक आदि द्वारा मद शक्ति रूप एक विलक्षण गुण आविर्भाव हो जाता है, उसी तरह देहाकार में परिणित हुए पृथ्वी आदि इन चारों भूतों में ज्ञप्ति रूप गुण आविर्भाव हो जाता है। इसलिए ज्ञप्ति तथा इच्छा आदि गुणों से संपन्न यह शरीर ही आत्मा है। भाई वाचार्थ यदि ये तुम कहते हो तो इसका उत्तर सुन लो, तब तो संपूर्ण वस्तुओं का संक्षय बतलाने वाले 18 पुराण महाभारत आदि इतिहास दैहिक और पारिवारिक आत्मा के हित और अहित तथा धर्म और अधर्म ये के प्रतिपादक मनुवादी स्मृति एवं सदाचार आदि ये सब के सब व्यर्थ हो जाएंगे। यदि
यह कहो कि हम देहात्मावादी वो चार वाक्यों के मत में उन वेदादि शास्त्रों की व्यर्थता और अप्रमाणिकता इष्ट ही है, वे सब के सब अप्रमाण हो जाएंगे, इसमें हमारी हानि क्या है। तो इस पर हमारा ये कहना है कि ये महामते चारवाक निर्दोष उन वेद पुराण आदि शास्त्रों का इस अर्थ में अप्रमाण हो जाने पर इस वंध्या स्त्री ने 100 लड़के पैदा किए, इस वाक्य के समान भोग लंपट्टा भोग द्वेषादि हजारों दोषों से तुष्ट तुम्हारा वाक्य भी क्या प्रमाण होगा। हमें तो उसकी संभावना भी दुर्लभ है, तुम्हारे कथन को लोक में विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बिना कारण और प्रयोजन के प्रसिद्ध सृष्टि आदि का संभव न होने से तुम्हारे मत के अनुसार तो जगत का उच्छेद प्रसंग अनिवार्य होगा, किंतु देहात्मवाद में क्या सभी अवयव ही आत्मा है या अवयवी है। प्रथम पक्ष में तो ये दोष आता है कि अनेक चेतनों में सर्वदा एकम्यत न होने से वैमत्य के कारण देह का सभी अवयव उन्मथन करने लग जाएंगे। अब रह गया दूसरा पक्ष, उस पक्ष में यह दोष आता है कि हाथ आदि किसी एक अवयव के कट जाने पर अवयवी का नाश हो जाने से जीवन का ही असंभव हो जाएगा, इत्यादि और भी हजारों दोष हैं ही, ये सब अलग रहे। हे चारवाक, इस मेरे कथन से कायाकार में परिपूर्ण भूत संघात में मद शक्ति की नाई ज्ञप्ति गुण पैदा हो जाता है। ये जो तुमने कहा कि उसका भी उत्तर हो गया, और भी तुम अपने मत में मेरा ये एक दूसरा दूषण सुन लो। यदि मैं ऐसा मान लिया जाए कि जैसे मद शक्ति आत्मक द्रव्य में मद शक्ति विद्यमान रहती है, वैसे ही भूत संधान में जो कि ज्ञान स्वभाव है ज्ञान गुण रहता है, तब तो गुणी देह का नाश हो जाने पर गुण का भी अवश्य नाश हो जाते हैं। दूसरे देशों में मरे हुए जीव देह के नष्ट हो जाने पर अपने देह में पिशाचादि का शरीर धरकर कैसे चले जाते हैं, तथा दूसरों के शरीरों में प्रविष्ट होकर अपने पूर्व जन्म के आत्मियों को पहचान कर उसके साथ बातचीत आदि कैसे करते हैं। यथार्थ प्रदेशांतरों में मरे हुए व्यक्तियों की पिशाच आदि देहता जो लोक में प्रसिद्ध है वह सिद्ध न होगी। ये पिशाच आदि की कल्पना भी भ्रांति ही है, क्योंकि पिशाचों को हमने अपनी आँखों के सामने उपस्थित हुए जा आज तक नहीं देखा, और हमारे मत में प्रत्यक्ष के सिवा और कोई दूसरा प्रमाण है ही नहीं। प्रत्यक्षाति रक्त दूसरे प्रमाण की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों बार पार्थिवत्व और लोह लेखात्वदा का सहचार ग्रह होने पर भी वज्रमणि आदि में अभिचार देखा गया है। उत्पादी अन्य समय में गाय के पेट से गधे की उत्पत्ति भी देखी गई है, तथा देवता की प्रतिमाओं से भी कि बिना अग्नि के भी ध्रुम्र उठते देखा गया है, तथा सर्वत्र लिंगों में देशांतर और कालांतर में व्यभिचार शंका का निवारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपके अनुमान प्रमाण का तो बिल्कुल योग नहीं है। सादृश्य के विषय में यत किंचित या पूर्ण यो विकल्प होने से उपमान प्रमाण का योग नहीं बैठता। इसी तरह अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भी प्रमाण नहीं हो सकते। पिशाच ग्रस्त पुरुष का पिशाच व्यवहार भी जब तक देह विद्यमान रहता है तभी तक दिखता है, उसके मरने के बाद नहीं। इसलिए उस देह को ही सन्निपातिक भ्रांति की तरह मैं पिशाच ग्रस्त हूँ वह व्यर्थ की भ्रांति है। यदि ये सब तुम कहो तो तुम्हारा ये सब कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि तुम्हारी ही बातों से इस सब का खंडन हो जाता है। इसमें प्रबल कारण ये है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त यदि सभी अप्रमाण है तो फिर चारवाक का वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रत्यक्ष के अतिरिक्त है। चूंकि अनुमान प्रमाण को तुम मानते नहीं हो, इसलिए युक्ति से तुम अपने मत का तो कदापि समर्थन नहीं कर सकते। तुम अपने मत का कदापि समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान
रूप होने से वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं हो सकती। दृष्टांत तो तुम दे ही नहीं सकते क्योंकि सादृश्य में उपमान उपमान गम्य होने से वह तुम्हारे मत से प्रमाण के बाहर है। स्वपक्ष में अनुकूल और पर पक्ष में प्रतिकूल तर्क भी तुम नहीं उपलब्ध कर सकते क्योंकि तर्क के अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति घटित होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते। आपत्ति और व्यतिरेक ये दोनों अनुपत्ति और अनुपलब्धि के अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनका तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हें अर्थात्पत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण रूप से स्वीकार अवश्य अनिवार्य होगा। अतः ये जो 6 प्रमाण है वे सबके सब सत्य हैं, ये तुम चार्वाकों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही सही, इससे आपका क्या लाभ है? ये कहते हैं इस तरह यदि तुम शब्द का प्रमाण्य मान लेते हो तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हें प्रमाण मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब श्रुति प्रमाण है तब परलोक स्वर्ग नरक आदि सब सत्य है। इत्याकारण श्रुति जन्य संजी संवित भी क्यों न सत्यकता को यानी प्रामाण्य को प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि अन्य के बोध के लिए शब्द प्रमाण है तो फिर परलोक स्वर्ग नरक तथा उसके प्रतिपादक श्रुति स्मृति आदि शब्द भी क्यों न सत्य प्रमाण होंगे, क्योंकि जितने ज्ञान के उनमें स्वतः प्रामाण्य है उसमें तो किसी को भी विवाद नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि कारण दोष तथा बाधक ज्ञान से उसका कहीं पर अपवाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो न कोई कारण है, यहाँ पर तो न कोई कारण में दोष है और न स्वर्ग नरक आदि में है, ऐसा बाधक प्रमाण ज्ञान ही है। अतः सांपी बुद्धिया भ्रांत, ये जो ऊपर कहा है उसमें दोष दिखते हैं। अन्य सब में स्थित पिशाच की सबके अनुभव से सिद्ध पिशाच ग्रस्त शरीर में पिशाच विषयणी प्रमा ज्ञानों के स्वतः प्रामण्य होने से ही लोक में सत्य रूप से प्रसिद्ध है। वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुए तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिमा भी कदापि सत्य प्रमाणित न होगी। जो मद शक्ति समन्वित द्रव्यगत मंद शक्ति विषयक है अमात्य पुरुषों के अनुभव सिद्ध अर्थों का खंडन करने वाले तुम ठहरे। तुम्हारी प्रमत पुरुष की प्रतीति से सिद्धि मद शक्ति का दूसरा कोई कैसे नहीं खंडन कर सकता। ऐसी दशा में तुम्हारी दृष्टांत सिद्धि के कारण ज्ञान में अभूत गुणत्व की सिद्धि न हो सकने से परलोकात्मक स्थिति का यानी स्वर्गन नरक आदि स्थिति का तुम भला कैसे खंडन कर सकते हो? सर्वजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से पिशाच है। यदि ये संवर्ध सत्यार्थ है तो फिर मृत प्राणी का भी परलोक है यानी कोई न कोई दूसरा लोक अवश्य है। ये श्रुति जन्य प्रतीति भला सत्य क्यों न सिद्ध होगी, क्योंकि जो युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो उसी युक्ति के बल से हम मृत प्राणी के परलोक का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति ढूंढने के लिए यही कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, पिशाच ग्रस्त की पिशाची जप्ति श्रुति समान किसी दृढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है, किंतु काकलायलियत न्यायवत आकस्मित है, अचानक उदित हुई है। ऐसी ज्ञप्ति भी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है तो फिर श्रुति आदि दृढ़तर कारणों से रहित सहित विद्यमान परलोकार्थ संवत संविद भला प्रमा क्यों नहीं है? एकमात्र अपने अनुभव के बल पर सर्वसत्ता का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि युक्ति में रजत का अनुभव होने पर भी उसमें अर्थ सत्ता नहीं दिखती। ये आशंका पर कहते हैं सब जो संवित उस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर जैसी जानते हैं, उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर वैसी ही भली भांति अनुभव करती है। सुप्त रजत संवित स्वप्रतिभासक कालिक अर्थ सत्ता का अग्रवाहन करती है, परंतु पूर्व काल की संवित का जब ये रजत नहीं है, इस उत्तर काल की संवित से बाध हो जाता है, तब उस उत्तर काल की बाध संवित
सीप में चांदी की त्रिलोकीय सत्ता बनती है। ऐसी स्थिति में प्रथम संवित के बल से रजत में प्रतिभासी की सत्ता रहे या द्वितीय संवित के बल से द्वितीय संवित के बल से असत्ता रहे, उनमें कोई हानि नहीं है क्योंकि अनुभव उसे दोनों ही सिद्ध है। अनुभव का सहारा लिए बिना अर्थ के रूप का आलाप करना कोई बच्चा का खेल नहीं है। जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर स्तुति आदि प्रमाण के बल से अथवा मृत दशा में देह के उपस्थित न रहने पर स्वप्नवत एकमात्र प्रतिभास के बल से परलोक है। इत्याकारण अनुभव स्वरूप संवित यदि अवश्य होगी ही तो फिर उस मृत्यु से क्या। जीवित प्राणी के अनुभव से सिद्ध सत्य है और मृत के अनुभव से सिद्ध असत्य है अथवा इसके विपरीत प्रकार से है। इसका अनुलाप ही क्यों होगा, दोनों में किसी का भी अनुलाप नहीं किया जा सकता। इस तरह श्रुति आदि प्रमाण है यह सिद्ध हो गया। यदि वह चारवाक ये कहे कि कायाकार में परिणित हुए भूतों से संवित का उदय उद्भव होता है, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर मृत प्राणी को परलोक आदि की बुद्धि ही न उत्पन्न होगी, तो इस पर उसने कहना ये चाहिए कि ये मित्र संवित शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है, प्रस्तुत उसी की सिद्धि के बल से ही वासना में आतिवाहिक देह तत्कल्पित स्थूल देह तथा बाह्य प्रपंच की पीछे सिद्ध होती है। वासना के सिवा कोई अन्य दृश्य प्रपंच की सिद्धि में हेतु नहीं है, इसलिए संवित की उत्पत्ति देह के अधीन ही नहीं है। वह सूचित करते हुए महाराज वशिष्ठ जी उस चारवाक के प्रति वचन का उपसंहार करके वासनायम विनया दर्शन मुत्पातता इत्यादि श्लोक से पहले जो ये उपक्रम किया गया है कि एकमात्र वासना के क्षय से ही संपूर्ण दृश्य का उच्छेद होता है, इस उठाई गई बात का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव करते हैं। इसलिए ज्ञान स्वभाव परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्फुरित होते हुए समस्त व्यवहार से पहले निज स्वरूप रूप संवित को जानता है और जानता है जो स्वतः नित्य सिद्ध है। जैसे अग्नि अपनी उष्ण प्रकाश स्वरूपता को जानती है, उसके बाद वासनाओं की उत्पत्ति में उपादान कारण सर्व जगत की वासनामय आतिवाहिक देह को जानकर फिर स्थूल देह आदि संसार के भ्रम को देखता है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पूर्व सिद्ध संविद की सिद्धि देह के अधीन नहीं है। एक अतः एवं एकमात्र वासना के क्षय से ही सूक्ष्म शरीर क्षय द्वारा संपूर्ण अनर्थों का क्षय सिद्ध है, यह कहते हैं। वासना के क्षय से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप रोग शांत हो जाते हैं तथा वासना की सत्ता रहने पर ये संस्कृति नामक पिशाची का उदित होती है। श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को संचार करने की इच्छा उत्पन्न हुई होती है, तदनंतर पूर्वकाल की जगद्रासनाओं का उदय जगत रूप में उदय होता है, इसलिए वासना की शांति को आप निर्वाण समझिए और उनकी सत्ता को संसार रूप ब्रह्म से जानिए। कहिए कि वासना उत्पन्न कैसे हुई। ब्रह्मा से तो वह उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि उससे तो तदे तद्द ब्रह्म पूर्व मन इत्यादि श्रुतियों के कारण होने का निषेध है तथा असंग कुटस्थ और अद्वितीय प्रतिपाद श्रुतियां भी इसी का समर्थन करती है। पूर्व कल्प जगत से वह वासना उत्पन्न होती है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि जो प्रलय काल में स्वयं नष्ट हो जाता है उसमें दूसरे को पैदा करने की शक्ति ही कहाँ रह सकती है। यदि यह कहिए कि प्रलय में जगत नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ही चरम भाव विकार से शून्य होकर स्थित रहता है, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही वासनात्मक प्रलय है, तो ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि इस पर मैं
आपसे ये पूछता हूँ कि वैसी जगत की स्थिति क्या प्रलय में अपनी सत्ता से रहित है या ब्रह्म की सत्ता से? यदि आप ये कहेंगे कि अपनी सत्ता से रहित है तो आपके पक्ष इस पक्ष में सदैव सौम्य ग्रम असदैव इत्यादि श्रुतियों से विरोध पड़ता है। अब रह गया आपका दूसरा पक्ष, उसमें हमारा ये कहना है कि जो स्वतः असत है वह भला दूसरे की सत्ता से स्थिर रहना रहता है, ये कहना तो एक जबरदस्त मिथ्या प्रलाप ही हो नहीं मिथ्या प्रलाप ही होगा ना। इसलिए दोनों पक्ष में सृष्टि और प्रलय में कोई विशेष आपत्ति न होने से अभास मान की सत्ता प्रसिद्ध के अभाव में जगत नष्ट होता है और स्थित भी रहता है, ये कहना तो वदतो व्याधात दोष से ग्रस्त ही है। ठीक है, ये सब आपका कथन हम मान रहे हैं। सुनिए, प्रलय का पूर्व सर्ग में वह वासना उत्पन्न हुई है, ये आप कैसे कहते हैं? ये तो आप कह नहीं सकते कि वह वासना उत्पन्न ही है, क्योंकि असंग अद्वितीय परब्रह्म में अनुत्पत्ति को तो आप पहले ही कह चुके हैं। फिर भी अद्वितीय ब्रह्म बोध के उपास्य रूप से जब तक बोध नहीं हो जाता तब तक के लिए आप कृपा कर, वो वासना भी पहले किसी एक निमित्त से अवश्य उत्पन्न हुई है ये स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बिना कारण के जगत की उत्पत्ति नहीं होती, ये शास्त्र सिद्ध है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद तो फिर सारा संसार ही सद्रूप ब्रह्म है और वह वासना भी पर ब्रह्म स्वरूप ही है। बिना असंग अद्वितीय ब्रह्म का श्रुतियों से परिज्ञान के किए वासना की अनुत्पत्ति बतलाना उचित नहीं है। ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण संशयों के बीजभूत ज्ञान का उच्छेद हो जाने से निवारण ही समाप्त है, इसलिए वासना की उत्पत्ति आदि में अनुत्पत्ति की शंका करना ठीक नहीं है। इस आशय से कहते हैं इतना जो ये परिज्ञान है उसको तत्वज्ञ लोग निर्वाण कहते हैं। इसलिए हे राघव, इस ब्रह्म के विषय में जो प्राणी का परिज्ञान है उसको आप बंद समझिए। विज्ञान घन ये आत्मा ही प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक भी है। ज्ञात होने पर वो ये स्वयं ही स्वप्न रूप से अंदर स्फुरित होता है तथा ज्ञान न होने पर ज्ञानी होने पर यानी श्रुति आदि प्रमाण लाभ के पहले ये बिल्कुल स्फुरित नहीं होता। मैं बद्ध हूँ इस भावना से बंध दर्शन और मैं नित्य मुक्त हूँ इस भावना से मोक्ष दर्शन जब आत्मा को अत्यंत कोमल आत्मा यो एकमात्र संविदंश के परिणाम परिवर्तन मात्र से प्राप्त होता है तब भला उसके साधन में कलेशी क्या है। इसको परीक्षक लोग व्युत्था और समाधि तथा व्युत्था और सुसुप्ति के द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं। इस आशय से कहते हैं इस रामचंद्र जी, संवित को यानी चित्त की वृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर बंध और उसको समाप्ति समाधि द्वारा आत्मा में विलीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। संवित के उद्बोधन रूपी उदर वाला ये संसार जगत ये असत संसार सत के समान भासता है। इसका तात्पर्य है कि चित्त वृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर यह जगत असत संसार सत के समान भासित होता है। सुप्त और अंडज वेदन मोक्ष कहलाता है तथा प्रबुद्ध वेदन को तत्वज्ञानी लोग बंध कहते हैं। इसलिए इस दोनों में आपको जिसकी इच्छा हो उसे चुन लीजिए। इस रामचंद्री बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़कर आप निर्वाण रूप वासना शून्य अनंत अनादि स्वच्छ बोध स्वरूप अद्वितीय और ऐक्य से रहित अशून्य मतलब परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनकर आकाश कोष के सदस्य विशद अंतकरण से युक्त शांत एवं बंध से बिल्कुल मुक्त होकर स्थिर रहिए। 79वां स्वर्ग समाप्त।